पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि शनिवार को फिर मिलेंगे। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। यहां जब एक महीने पहले आया था तो एक विचार था कि विकास और समृद्धि का रास्ता कैसे बनाया जाए। एक नए रास्ते की तलाश में हम सब लोग मिल करके कई दिनों तक मंथन करते रहे। उसमें कसूल भी बनाया कि विकास के लिए भागीदारी बहुत जरूरी है। केवल सरकार विकास नहीं कर सकती, जब लोग भी उसमें भागीदार होंगे तो मैं मानता हूं कि विकास फिर सिरे चढ़ेगा। इसलिए पीपुल पार्टिसिपेशन पर हर निर्णय में हम सबने बल दिया है और इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा आप चलिए, थोड़ा हम चलते हैं, मुझे लगता है कि मंजिल जरूर मिलेगी। यहां की एक विशेष परिस्थिति है, पिछले अनेक वर्षों से यहां के जो लोग बिजनेस में हैं, ट्रेड में हैं, इंडस्ट्री में हैं, आर्टिजन्स हैं, अनेक लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियां हुई हैं और इसलिए पीछे जब मैं उनसे मिला था, मुझे तारीख याद है, तो 18 अगस्त की तारीख है जब मुझसे कई डेलीगेशंस मिले थे और फिर हमने एक कमेटी बनाई थी। हमारे जो सलाहकार हैं श्री के शर्मा साहब, उनके अध्यक्षता में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस श्री अरुण मेहता और इंडस्ट्री सेक्रेटरी श्री एम के द्विवेदी उसके मेंबर थे और 12 दिनों में डिफरेंट डेलीगेशन से मिलकर के इन लोगों ने 1 सितंबर को अपनी रिकमेंडेशन दी। मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहता हूं जो मुझे बताया गया और मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि शायद पहली बार किसी कमेटी ने टाइमली रिपोर्ट दी है, 12 दिनों में रिपोर्ट दी है, ये शायद पहली बार यहां हुआ है लंबे समय के बाद। और आज मैं आपके सामने ये बात कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के लिए एक 1350 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज हम सब ने मिलकर के मंजूर किया है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था उसके अलावा है। इसके साथ साथ कई बड़े प्रशासनिक मीजर्स भी हमने लिए हैं जिससे आवाम को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री वालों को, टूरिज्म में लगे हुए लोगों को, सभी स्टेक होल्डर्स को बड़ा लाभ आने वाले दिनों में मिलने वाला है। आत्मनिर्भर भारत के प्रथम चरण में जो फोकस था वो किसान था, बैंक फाइनेंस, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बिजनेस, गरीब तबकों को राहत, माइग्रेंट लेबरर्स को राहत। और इसके लिए जब घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी तो 8 टास्क फोर्स यहां जम्मू कश्मीर में बनाई गई और मैं कहूं कि उसने बहुत अच्छा काम किया। मोटे तौर पर मैं बताऊं कि आत्मनिर्भर भारत के पैकेज से 1400 करोड़ रुपए जेके बैंक ने यहां के लोगों को दिया है। मोटे तौर पर 6000 करोड़ रुपए पावर सेक्टर को ठीक करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को मिला है। लाखों परिवारों को राशन दिया गया है, लाखों मजदूरों को नगदी दी गई है। इस तरह के अनेक काम हैं जिनका मैं जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूं। प्रेस रिलीज में उसके विवरण आपको मिल जाएंगे और जब अरुण मेहता जी बताएंगे आपको तो सारे बातें विस्तार से आएंगी। इस नए इकोनॉमिक पैकेज में बहुत सारे इनोवेटिव डिसीजन हमने लिए हैं। आप जानते हैं और सुनते भी होंगे कि ज्यादातर इंटरेस्ट सबवेंशन 2% 3% दिए जाते हैं और यही लोग उम्मीद भी करते हैं, लेकिन यहाँ की विशेष परिस्थिति को देखते हुए लगभग 20 वर्षों से लगातार यहाँ का बिजनेस मार झेल रहा था विभिन्न कारणों से, तो हमने कहा कि भाई, और देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं मानता हूँ, आभार मानता हूँ कि जब भी उनसे हम लोगों ने कुछ कहा है तो उन्होंने खुले मन से
जम्मू कश्मीर के विकास और तरक्की के लिए पूरी मदद दी है। बिना किसी भेदभाव के हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे बड़े बारोवर्स के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए हम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं अनप्रेसिडेंटेड इसे कहूंगा कि 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन बिना किसी भेदभाव के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, जिसने जो भी बारोवर है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन हम दे रहे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया हमने नहीं रखी और इसमें कुल 950 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर यूटी का प्रशासन डायरेक्ट सीधे मदद कर रहा है। इससे मैं मानता हूं कि अनेक लोगों को लाभ भी होगा, लाखों लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा और एक जो बड़ी चर्चा यहां चलती है, मैं समझता हूं कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन का रास्ता आज हम इस पैकेज के माध्यम से खोलने जा रहे हैं। द इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी अवेलेबल फॉर 6 months इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड आई एम श्योर दिस विल बी अ ह्यूज रिलीफ गिवन द करंट सिचुएशन। इस स्टिमुलस पैकेज में एक और महत्वपूर्ण बात है, हमने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। वो किसान हो, आम परिवार हो, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, सबके लिए ये निर्णय हमने किया है। कोरोना संकट के कारण बस ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इन्होंने भी अपनी पीड़ा कमेटी के सामने बताई और इस व्यथा को हम समझते हैं और इसलिए हमने तय किया है कि एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बनाकर उनकी भी हम मदद करने जा रहे हैं। आर्थिक संकट झेल रहे जो आवाम है, सामान्य आदमी, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, शिकारा वाला हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, पिट्ठू वाला हो, पोनी वाला हो, इस तरह के जितने लोग, उनके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था बना रहे हैं, जिनको हम आर्थिक मदद जिस तरह से कंस्ट्रक्शन लेबरर्स को दी जा रही है उन्हें भी दी जाए, इसका इंतजाम भी हम कर रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी इज एग्जम्प्टेड अप टू मार्च 2021 इन केस ऑफ ऑल बोरोवर्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा इसको ध्यान से मैं इसीलिए दोबारा पढ़ देता हूं। स्टैम्प ड्यूटी इज एग्जम्प्टेड अप टू मार्च 2021 इन केस ऑफ ऑल बोरोवर्स। वी आर सेटिंग अप ए कस्टमाइज हेल्प टूरिज्म स्कीम बाय जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पर्सन्स एंड एसोसिएटेड विद द टूरिज्म सेक्टर्स विद अट्रैक्टिव प्राइसिंग एंड रीपेमेंट फीचर्स। हम एक्सक्लूसिव लैंड बैंक भी सेटअप कर रहे हैं, एक बड़ा लैंड बैंक हमने बना लिया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टेट में वेयर हाउस सेटअप करने के लिए और इस लैंड बैंक में फूड पार्क सेटअप करने के लिए जमीन भी हम मुहैया कराएंगे और उनकी मदद भी करेंगे, इसके लिए भी हमने निर्णय किया है। टेकिंग नोट ऑफ द डिफिकल्टीज इन लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव एग्रीड टू प्रोवाइड पेंडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन विद रेस्पेक्ट टू रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स ऑफ 2014 एंड 2016। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और अनाउंसमेंट करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हमने निर्णय किया है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट कार्ड स्कीम में अब तक जो 1 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट थी उसे बढ़ाकर हम 2 लाख रुपया करने जा रहे हैं और 7% इंटरेस्ट सबवेंशन उनको दिया जाएगा, ताकि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो पूरे देश में नहीं बल्कि मैं कहूं कि दुनिया में जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्याति रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया। 1 अक्टूबर से फ्रॉम 1 अक्टूबर जेके बैंक एक स्पेशल डेस्क चालू करेगा यूथ और विमेन इंटरप्राइजेस के लिए और उसमें पूरी तरह से मदद करेगा, यह भी निर्णय हम सबने किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाखों परिवारों को मदद दी गई है, भोजन पहुंचाया गया है, मजदूरों को भी हमने डायरेक्ट सहायता दी है। तो मोटे तौर पर एक हमने
इस पैकेज का एक खाका खींचा है जिसका विवरण हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आत्मनिर्भर भारत ये पहला चरण, आज जो इस संघ राज्य क्षेत्र ने यूटी प्रशासन ने जो निर्णय किया है ये दूसरा चरण, लेकिन इससे बहुत बड़ा तीसरा चरण अभी आने वाला है। यहाँ की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत सरकार ने उसे तैयार कर लिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी, अति शीघ्र मैं तारीख नहीं बताऊंगा, लेकिन अति शीघ्र उसकी घोषणा होगी। और मैं मानता हूं कि चाहे ऑलरेडी ऑपरेशनल बिजनेसेस हों, इंडस्ट्रीज हों, या प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान हों, या जो लोग कंपनी सेटअप करना चाहेंगे उनको बड़ा भारी लाभ इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मिलने जा रहा है। आज से इकोनॉमिक मेजर्स और पैकेज की शुरुआत हो रही है और मैं समझता हूं ये अभी मंजिल तक हम नहीं पहुंचे हैं। हम एक समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहते हैं जहां का बिजनेस कल्चर 15-20 साल से हाशिए पर चला गया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे निश्चित रूप से पुराने गौरव को उसके पुराने गौरव को हम लौटा सकें। मैं लगातार लोगों के बीच भी जा रहा हूं और एक बात कहता हूं, उनसे सुनता भी हूं कि घोषणा करने में हम सबका विश्वास नहीं है, क्योंकि घोषणाएं बहुत हुई हैं। अनेक स्थानों पर जाने के बाद मैं देख रहा हूं कि 25 साल 30 साल 35 साल की प्रोजेक्ट अभी नहीं पूरी हुई। इसलिए हमने एक सिद्धांत बनाया कि अनाउंसमेंट वही होगा जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल हो जाएगा। कुछ समय के लिए किसी को बुरा लग सकता है, मेरे पास रोज लोग मिलने आ रहे हैं, दरखास्तें आ रही हैं कि साहब ये स्वीकृत कर दीजिए। विनम्रता पूर्वक उनसे हाथ जोड़कर मैं एक बात कहता हूं, भाई थोड़ा समय दीजिए, होने लायक होगा तो जरूर करेंगे, लेकिन कोई घोषणा की जाए और वो न हो, मैं समझता हूं कि इससे खराब काम न प्रशासन के लिए है कोई और न अच्छे शासन के लिए। और जो अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं हम उसके साथ साथ लोगों को बता रहे हैं कि टाइम बाउंड मैनर में इसे हम कंप्लीट करेंगे। और आज फिर हम दोहरा रहे हैं आपके बीच कि जो आज ये अनाउंसमेंट हो रहा है इसके लिए हमने समय सीमा तय की है, मैं स्वयं भी मॉनिटर करूंगा, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी चीफ सेक्रेटरी भी मॉनिटर करेंगे और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जो कुछ घोषणाएं हैं इसे हम जमीन पर उतार करके दिखाएंगे। एक नए कल्चर की शुरुआत जम्मू कश्मीर की धरती पर हम सब करना चाहते हैं। मैं इसी संकल्प के साथ चल रहा हूं और कश्मीरी आवाम की तरक्की और भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक शेर से अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर अरुण मेहता जी आपको विस्तार से बताएंगे। और बस दो लाइन की शेर है, बहुत लंबा है सफर अभी बहुत दूर जाना है, बहुत लंबा है सफर अभी बहुत दूर जाना है, घर चलते रहे तो पास ही मंजिल का ठिकाना है, पास ही मंजिल का ठिकाना है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।